हेलो एवरीवन, क्लास इलेवंथ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारा नया टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड आर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बॉडी। जो लिविंग बॉडी होती है उनका आपका जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं आपके। तो न्यूक्लिक एसिड भी क्या होते हैं? आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये भी आपके किस में आते हैं? आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं आपके, ठीक है। द अदर टाइप ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल फाउंड एज अ पार्ट ऑफ द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। दीज आर द पॉलीमेरिक कंपाउंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे सब आपका पॉलीमेरिक कंपाउंड होते हैं, तो ये पॉलीमेरिक कंपाउंड किसके होते हैं? आपका न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। ये पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं। दे आर नोन एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये भी आपकी डेफिनेशन बनती है आपके न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। या फिर सिंपल ये बोल सकते हैं आपके कि न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है आपका इज कंपोज्ड ऑफ द थ्री केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। ये आपका तीन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। पहला होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है। एक तो हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड क्या होता है, वो आपका नाइट्रोजन बेस है, जिसके बारे में हम डिस्कस करके आ चुके थे। आपका एडिनिन होता है, आपका ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन होता है। द स्केलेटन हेट्रोसाइक्लिक रिंग डीएनए आरएनए इज कॉल्ड अप एज प्यूरिन एंड पायरीमिडिन, ठीक है। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक आपका प्यूरिन में डिवाइड किया जाता है, एक आपका पायरीमिडिन में डिवाइड किया जाता है आपका, ठीक है। एडिनिन एंड ग्वानिन आर द प्यूरिन, वाइल द यूरेसिल एंड द थायमिन एंड साइटोसिन आर द पायरीमिडिन। तो मैंने आपको पहले ही भी आपको ये डिस्कस कर दिया है, हमने इसके बारे में डिस्कस कर दिया है कि जो एडिनिन और ग्वानिन होते हैं आपके, ये प्यूरिन्स होते हैं आपके, ठीक है, प्यूरिन्स होते हैं आपके। वाइल यूरेसिल, देखो जो यूरेसिल होता है वो किस में पाया जाता है? केवल आपका आरएनए में पाया जाता है। और जो थायमिन होता है वो केवल डीएनए में पाया जाता है। यही आपका आरएनए और डीएनए में एक डिफरेंस ये भी होता है कि आपका आरएनए में आपका यूरेसिल होता है, तो आपका थायमिन में क्या होता है? आपका सॉरी डीएनए में क्या होता है? आपका थायमिन होता है, यानी कि ये रिप्लेस हो जाते हैं। बाकी साइटोसिन आपका दोनों में होगा। तो यूरेसिल हो गया, थायमिन हो गया, आपका साइटोसिन हो गया, ये आपके पायरीमिडिन्स हो गए। इनके बारे में हमने आपका माइक्रो मॉलिक्यूल्स में डिस्कस किया था। आपका मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ये भी हमें पता है कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर हो सकता है आपका। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो राइबोज शुगर होगी उसमें क्या होगा आपका, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। डी ऑक्सीराइबो शुगर में क्या होगा आपका, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है आपका। फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया था, पी ओ फोर होता है आपका। तो इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है आपका एक, ये तीनों क्या होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड के आपके बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। इन तीनों से मिलकर के आपका न्यूक्लियोटाइड बना होता है आपका। और न्यूक्लिक एसिड विच कंटेन द डी ऑक्सीराइबो शुगर, ठीक हो गया, जिसमें डी ऑक्सीराइबो शुगर होगी उसको आपका डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, जिसमें राइबो शुगर होगी उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। यानी कि डीएनए यानी कि डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। आरएनए आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया क्योंकि इसमें क्या होती है आपकी राइबोस शुगर होती है। अब यहाँ पर को बात कर लेते हैं आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल लिविंग सेल एक्सेप्ट सम वायरसेस। आपको पता है कि वायरसेस के केस में क्या हो सकता है आपका आरएनए भी क्या होता है आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। मेनली जो प्लांट वायरसेस होते हैं उसमें आपका आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। जो रेट्रोवायरस होते हैं उनमें आपका आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आपका एड्स एग्जांपल है, एड्स वायरस यानी कि जो आपका एड्स एचआईवी होता है आपका, यानी कि एचआईवी वायरस होता है आपका, उसमें आपका आरएनए क्या होता है आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इनको छोड़ करके आपका मैक्सिमम केसेस में क्या होता है आपका डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लीनियर डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, वेयर एज इन द प्रोकैरियोट्स डीएनए इज सर्कुलर इन द स्ट्रक्चर एंड इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो देखो क्या होता है आपका जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आपका लीनियर डीएनए पाया जाता है आपका न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कैसा होता है, लीनियर डीएनए होता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की आपके कंपोनेंट की बात करें, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनमें आपका सर्कुलर डीएनए पाया जाता है आपका। अच्छा, इनमें भी क्या होता है आपका, इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लीनियर डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, वेयर इज इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज सर्कुलर इन द स्ट्रक्चर एंड इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इनमें क्या होता है आपका, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका डीएनए आपका सर्कुलर होता है, आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए आपका क्या होगा, आपका लीनियर होगा, चाहे वो आपका न्यूक्लियस में पाया जाए या माइटोकॉन्ड्रिया फिर आपका क्लोरोप्लास्ट में पाया जाए। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो किसने दिया था आपका, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। और ये किसके ऊपर बेस्ड था आपका, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज के ऊपर क्या था आपका बेस्ड था। दे प्रपोज्ड अ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए, इन्होंने आपका डबल हेलिक्स मॉडल आपका दिया था। इन्होंने कहा था कि जो डीएनए होता है वो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड की आपकी दो हेलिकल क्या होता है आपका डबल हेलिकल मॉडल होता है। कहने का मतलब है कि आपका वो दो किससे आपका चेन से मिलकर के बना होता है, जो चेन एक दूसरे को क्या करती है आपका इंटरकॉइल्ड करती है, एक दूसरे के अराउंड क्या होता है आपका कॉइल्ड पोर्शन में क्या रहती हैं आपकी प्रेजेंट रहती हैं।
सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स एंड कंसिस्ट ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड डेट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इनका क्या होता है, आपका इनका जो डायरेक्शन होता है वो भी क्या होता है, आपका एंटी पैरेलल होता है आपका, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो दोनों आपके क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो रन करती है। एक का आपका 5-3 डायरेक्शन होता है तो दूसरे का क्या होगा आपका 3-5 क्या होगा आपका डायरेक्शन होता है। ये आपका डिपेंड करता है आपका, ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर, जो डीएनए में आपका किसका लास्ट एंड क्या है आपका फ्री है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका किसका। देखो 5-3 डायरेक्शन कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में 5th कार्बन फ्री है और लास्ट में आपका 3rd कार्बन फ्री है, और इसमें कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में 3rd कार्बन फ्री है और लास्ट में आपका 5th कार्बन क्या है आपका फ्री है। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है आपका, इसको हम 12th में, और 12th में इसका बहुत ज्यादा डिटेल में आपका स्ट्रक्चर उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द बैकबोन ऑफ द डीएनए इज फॉर्म्ड बाय द सुगर एंड फॉस्फेट सुगर चेन। जो बैकबोन होती है वो आपका सुगर से फॉस्फेट सुगर चेन होती है आपकी, ठीक है, फॉस्फेट हो गया आपका, सुगर हो गया, ये आपस में मिलकर के आपका बैकबोन बनाते हैं। एंड द नाइट्रोजीनस बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द बैकबोन ऑफ द डीएनए एंड फेसेस इनसाइड, और वो आपका इनसाइड की ओर क्या करते हैं आपका फेस करते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका फॉस्फेट हो गया, ये आपका सुगर हो गया, ये आपका बैकबोन बना रहे हैं, और ये क्या हो गया आपके नाइट्रोजीनस बेसिस हो गए, ये आपका क्या हो गया आपका इनसाइड क्या कर रहे हैं फेस करते हुए क्या है आपके अटैच्ड हैं। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है आपका। एडिनिन एंड ग्वानिन ऑफ द वन स्ट्रैंड बेस पेयर एंड विद थाइमिन एंड साइटोसिन रिस्पेक्टिवली ऑन द अदर स्ट्रैंड, यानी कि एडिनिन और थाइमिन एक दूसरे के साथ क्या होंगे आपके पेयर बनाएंगे, ग्वानिन और साइटोसिन आपका एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे। लेकिन अगर ये अभी हम डीएनए की बात करें तो एडिनिन और जो आपका थाइमिन होते हैं वो आपका डबल बॉन्ड से आपके कनेक्टेड रहते हैं, ग्वानिन और जो आपका साइटोसिन होते हैं वो आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या रहते हैं आपके कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर को दिया भी है आपका एडिनिन एंड ग्वानिन ऑफ वन स्ट्रैंड बेस पेयर विद द थाइमिन एंड साइटोसिन रिस्पेक्टिवली ऑन द अदर स्ट्रैंड बिटवीन ए एंड टी, दैट इज द ए डबल बॉन्ड टी, देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वाइल देयर आर द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये मैंने आपको बता दिया। डीएनए हैज़ अ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम एंड पिच इज 34 नैनोमीटर। 20 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस होती है आपकी, जो पिच बनती है वो आपकी 34 नैनोमीटर की बनती है। दस 1 टन ऑफ द डीएनए मेजर 3.5 नैनोमीटर। आपका एक जो आपका टोटल टर्न होता है आपका, अगर मैं यहाँ से देखूँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका यहाँ जाकर के एक टर्न क्या हो रहा है आपका पूरा हो रहा है, ये ठीक है, यहाँ जाकर के एक टर्न पूरा हो रहा है। तो वो क्या कह रहा है आपका, जो एक टर्न होता है आपका वो एक टर्न कितने में आपका कंप्लीट होता है आपका, कंसिस्ट करता है आपका 10 न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है। इसमें कितने होंगे, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से स्टार्ट होकर के एक टर्न यहाँ कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आपके टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर होंगे, यानी वो आपके एडिनिन ग्वानिन कुछ भी हो सकते हैं आपका ATGC GC AT ऐसे करके आपके 10 पेयर होंगे आपके। लेकिन वो कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड द BDNA, इस टाइप के डीएनए को आपका BDNA बोला जाता है। जो न्यूक्लियोटाइड जो आपके नंबर्स होते हैं इनके बेसिस पे क्या होता है आपका डीएनए भी क्या होते हैं आपके डिवाइडेड होते हैं, आपके ZDNA होता है आपका, CDNA होता है आपका, BDNA होता है। ये BDNA आपका सबसे नॉर्मल DNA होता है आपका। नाउ फंक्शंस अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लिक एसिड्स के फंक्शन क्या होते हैं आपका, आपको पता है कि दे प्ले द मल्टीपल रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है आपका, इट इनेबल सेल्स टू ग्रो मेंटेन एंड डिवाइड बाय द डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। डीएनए ही आपका क्या करता है आपका आरएनए फॉर्म करता है, आरएनए से क्या होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन जाती है एमआरएनए से, उसमें बहुत सारे आरएनए आपका पार्टिसिपेट करते हैं, टीआरएनए पार्टिसिपेट करता है, आरआरएनए पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारे किससे बनते हैं आपका, जो आपका न्यूक्लिक एसिड है उसकी डायरेक्शन से ही बनते हैं आपके, एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, और आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह भी फंक्शन करता है, ट्रांसफर द हेरिडिटी करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन। ये आपने 10th में भी पढ़ा है कि आपका डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है और वो आपका ट्रांसफर करता है आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। अब यहाँ पर कि उन्होंने डिफरेंस बताया आपका डीएनए और आरएनए के बीच में, तो इसको हम समझ लेते हैं। फाउंड इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, इन द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम्स, तो ये बहुत सारी जगह में पाया जाता है आपका, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, न्यूक्लियोलस में भी हो सकता है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म में भी हो सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में ये क्या होता है आपका क्रोमोसोम्स के साथ ही क्या होता है आपका एसोसिएशन में पाया जाता है। इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, इसमें डबल स्ट्रैंड, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए क्या होता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है आपकी, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड कॉइल स्पाइरली इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो अभी हम पढ़ के आए, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो स्ट्रैंड इन द आरएनए इज कॉइल्ड ऑन इट्सेल्फ एंड मे बी यूनाइटेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कह रहा है आपका
क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो वो क्या हो सकता है, खुद में ही कॉल होकर के आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या हो सकता है, आपका एक कॉइलिंग की प्रोसेस बना सकता है। द सुगर इज डीऑक्सीराइबोज, द सुगर इज राइबोज, ये भी हमें पता ही आपका। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन इट, फोर न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं आपका, पहला एडिनिन होता है, ग्वानिन जो प्यूरिन होते हैं, साइटोसिन थायमिन पाइरिमिडिन होते हैं। इसमें एडिनिन ग्वानिन प्यूरिन सेम वही होंगे, लेकिन जो आपका क्या है आपका थायमिन है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, आपका यूरेसिल से, साइटोसिन एंड यूरेसिल पाइरिमिडिन दैट इज इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल, वही हो गया जो मैंने आपको बताया। प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन अकर इन द इक्वल प्रोपोर्शन, डू नॉट अकर इन द इक्वल प्रोपोर्शन। इसमें इक्वल प्रोपोर्शन में क्यों होंगे, क्योंकि उनके बीच में आपका आपने देखा है कि बॉन्डिंग बनती है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या रहते हैं वो आपका अटैच रहते हैं, तो इक्वल प्रोपोर्शन होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें कहीं भी बॉन्डिंग नहीं होती है। डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए आपका हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जबकि आपका जो आरएनए आपका हेरिडिटरी मटेरियल होता है, लेकिन किस में होता है, केवल आपका कुछ ही वायरसेस में होता है। इट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर मेटाबॉलिज्म डिफरेंशिएशन एंड द इनहेरिटेंस, हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है आपका, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए आपका बनता है और आपका ट्रांसलेट मैसेज कोडेड इन द डीएनए इनटू द प्रोटीन, जो आपका डीएनए से जो आपका मैसेज जाता है आपका मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में, फिर वो उसको आपका प्रोटीन में क्या करता है आपका कन्वर्ट करता है। लॉन्ग मॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, रिलेटिवली शॉर्ट मॉलिक्यूल विद द लो मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्वियसली ये बड़ा होता है आपका, ये छोटा होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बड़ा होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है। जेनेटिक मटेरियल इन ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल, ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल ऑनली इन द सम वायरसेस जो हम डिस्कस करके आ गए। इट डज नॉट अकर इन द डिफरेंट टाइप्स, इसके टाइप्स नहीं होते हैं आपके, केवल फॉर्म होती हैं आपकी, लेकिन इसके थ्री डिफरेंट टाइप्स होते हैं आपका, एम आर एन ए डेट इज द मैसेंजर आर एन ए, टी आर एन ए डेट इज द ट्रांसफर आर एन ए, आर आर एन ए डेट इज द राइबोसोमल आर एन ए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका नेचर ऑफ द बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। अभी हमने इतने सारे पॉलीमर की बात करी, तो उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, आपके लिंक थे, उनको जोड़ने का काम कर रहा था, तो जोड़ने के में आपके कौन कौन से बॉन्ड काम आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। द पॉलीमर डिस्क्राइब अवर इन द टॉपिक आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन और लिंकिंग ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ द मोनोमर यूनिट, सो इन ऑर्डर टू लिंक दिस यूनिट्स टुगेदर वेरियस टाइप्स ऑफ द बॉन्ड आर रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड द टाइप ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है आपका। तो फर्स्ट होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टिड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड होता है आपका। आपको पता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो आपका क्या होता है, आपका पॉलीपेप्टाइड में यानी कि प्रोटीन में पाया जाता है आपका, और ये किसके बीच में पाया जाता है आपका, एमिनो एसिड्स को लिंक करने के लिए पाया जाता है। ठीक है, सिंपल हो गया आपका, प्रोटीन में आपका एमिनो एसिड्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, दिस बॉन्ड आर नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्म्ड बाय द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड रिएक्ट विद द एमिनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट एमिनो एसिड विद एलिमिनेशन ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये आपका वाटर के एलिमिनेशन से बनता है, और ये किस किस के बीच में होता है आपका, एक जो एक एमिनो एसिड है उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, और दूसरे एमिनो एसिड के आपका किसके एमिनो ग्रुप के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये आपका अमीनो ग्रुप है, इन दोनों के बीच में आपका बॉन्डिंग हो रही है आपकी। ठीक है, और ये बॉन्डिंग में क्या होगा, आपका जो वाटर है वो क्या होगा, रिलीज आउट होगा, आप देख सकते हैं H2O बाहर निकल गया है आपका। ठीक है, तो क्या हो गया, इनके बीच में आपका ये बॉन्ड बना है, यही बॉन्ड क्या कहलाएगा आपका, पेप्टिड या पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपका COOH। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये कौन सा है आपका, एमिनो ग्रुप है आपका। ठीक है, यहाँ से आपका वाटर के मॉलिक्यूल का क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा, वो बाहर निकलेगा, और यहाँ पर कोई क्या हो जाएंगे आपके, जुड़ जाएंगे, इससे क्या बनेगा आपका, एक आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक के आपके कार्बोक्सिल ग्रुप पे, दूसरे के आपके किस पे, आपका एमिनो ग्रुप पे आपका बन रहा है, एन टर्मिनल एमिनो, ये क्या हो गया आपका, एन टर्मिनस हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका, सी टर्मिनस हो गया, ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं किसको, आपकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। ठीक है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं आपके, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, ये दो कार्बन एटम्स के बीच में फॉर्म होते हैं, एडजेसेंट मोनोसैक्राइड, टू एडजेसेंट मोनोसैक्राइड्स, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या होते हैं आपके, फॉर्म होते हैं, जो आपके एडजेसेंट क्या होते हैं आपके, मोनोसैक्राइड्स होते हैं। दस इट इज़ फॉर्म्स अ पॉलीसैक्राइड बाय लिंकिंग मैनी इंडिविजुअल मोनोसैक्राइड यूनिट, यानी कि ये किस में पाए जाएंगे, आपके पॉलीसैक्राइड्स में पाए जाएंगे। दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन, दैट इज द रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉन्ड फॉर्मेशन साइट, ये भी आपके वाटर के रिमूवल से ही बनते हैं। थर्ड वन इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, थर्ड आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है आपका। इन अ न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट मायोटी लिंक्स द थर्ड कार्बन ऑफ द वन सुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ द सुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये जो आपका थर्ड कार्बन है आपका पहले सुगर का, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के सुगर के फिफ्थ कार्बन में क्या होता है आपका, ये बॉन्डिंग क्या होती है आपकी, बनती है आपकी। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सुगर इज कॉल्ड द एस्टर बॉन्ड। ठीक है, एज देयर इज अ वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन ईदर साइड,
सो इट इज़ कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये कह रहा है कि दोनों साइड में आपका ये बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, एस्टर बॉन्ड आपके दोनों साइड में प्रेजेंट रहते हैं आपके, इसीलिए इनको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोला जाता है। किसके दोनों साइड में प्रेजेंट रहेंगे, आपका जो फॉस्फोरिक ग्रुप है उसके दोनों साइड में प्रेजेंट रहेंगे, इसीलिए इसको आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोला जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड, इन अ न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट मॉइटी लिंक्स द थर्ड कार्बन ऑफ वन सुगर और वन न्यूक्लियोटाइड टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ द सुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सुगर इज एन एस्टर बॉन्ड। वो कह रहा है आपका जो बॉन्ड बनते हैं आपका फॉस्फेट और आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, उनको आपका एस्टर बॉन्ड बोला जाता है। एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन ईदर साइड, दोनों साइड आपके दो एस्टर बॉन्ड बनते हैं आपके, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसीलिए इसको आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी क्या होता है आपका बोला जाता है। तो आज हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है आपका, न्यूक्लिक एसिड और जो आपके बॉन्ड्स पाए जाते हैं किसमें, आपका पॉलीमेरिक जो आपकी क्या होती हैं आपकी स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, जो मोनोमर्स के जुड़ने से जो आपके पॉलीमर बनते हैं उनके बीच में जो आपके क्या पाए जाते हैं, आपके बॉन्ड पाए जाते हैं उनके बीच में, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया आपका, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बारे में हम क्या करेंगे आपका डिस्कस करेंगे।